हेलो एवरीवन, आई एम रुणाल पटले, असिस्टेंट प्रोफेसर इन SRTE। जो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बिल्डिंग मटेरियल है, और उसमें जो हम सब टॉपिक देखेंगे दैट इज़ पेंट एंड वॉर्निश। दिस इज़ थर्ड सेमेस्टर एंड द सब्जेक्ट कोड इज़ 302। हमने लास्ट लेक्चर्स में काफ़ी कुछ देखा, हमने टिम्बर की प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके पहले हमने कॉन्क्रीटिंग की प्रॉपर्टीज़ देखी। वैसे ही हम जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है, कुछ उसमें भी ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे कि जो बिल्डिंग मटेरियल में एक हम देखेंगे पेंट्स एंड वॉर्निश, दिस इज़ ऑल्सो द टॉप पार्ट। ठीक है, इसमें हम लोग इसकी आउटलाइंस ये है, हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है पेंट्स, क्या होता है डिस्टेम्पर, क्या होता है वॉर्निश, एंड देन फिर उसकी डेफिनेशंस देखेंगे उसके हम, और फिर सब टाइप्स भी देखेंगे, और इसी लेक्चर में हम लोग इसमें डिफेक्ट्स भी कवर करने का ट्राई करेंगे। जो हमारा फर्स्ट है दैट इज़ पेंट। पेंट क्या है? पेंट एक गम है या कंपोजिट फ्लूड है, फ्लूड मटेरियल है, दैट अप्लाइज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ अ सब्सट्रैक्ट इन अ थीन लेयर कवर टू अ सॉलिड फॉर्म। ओके, ये क्या है? फ्लूड मटेरियल है जो कि कवर करता है कोई भी, मतलब इसको हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि कवरिंग मटेरियल है। ठीक है, और वो किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या करता है पेंट? हम जो वॉल के ऊपर हम पेंट अप्लाई कर सकते हैं, हम जो पेंट है वो हम लोग घर को, घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम वुड या फर्नीचर की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं? पेंट अप्लाई करते हैं। जिस वजह से क्या होता है, पेंट के एडवांटेजेस क्या है? वो अट्रैक्टिवनेस, अपीयरेंस बहुत ब्यूटीफुल करता है कोई भी चीज़ों का। ठीक है, ये पेंट है। ठीक है, पेंट आर यूज टू प्रोटेक्ट, किस किस उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है जो मैंने अभी बताया? एक तो मेटल के हम लोग ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने देखो आयरन की जो ग्रिल्स होती है उसके ऊपर हम लोग जिंक ब्लैक कलर का पेंट करते हैं, है ना? उसका ये पेंट करने से क्या होता है, उसका अपीयरेंस तो बढ़ता है लेकिन उसका रस्टिंग रेजिस्टेंस पावर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब वो डिटोरिएट नहीं होती है उसकी बॉडी। ठीक है, हम टिम्बर के ऊपर अप्लाई करते हैं प्रोटेक्टिव फिल्म, जैसे प्लास्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्लास्टर के ऊपर अप्लाई करने से क्या होता है, करोसिव इफेक्टनेस ऑफ वेदर और द हीट और मॉइस्चर, ये सब क्या होता है, रिमूव होता है, और साथ साथ क्या होता है, इम्प्रूव होता है उसका अपेयरेंस भी। ठीक है, तो हमने पेंट्स में क्या देखा, ये क्या है, फ्लूड मटेरियल है जो अप्लाई करते हैं सब, मतलब सरफेस एरिया पे टू कवर द सरफेस एरिया। ठीक है, एंड यूज टू प्रोटेक्ट द मेटल, टिम्बर, प्लास्टर, कहाँ कहाँ से? कोई भी करोजन इफेक्ट से, वेदर से, हीट से या मॉइस्चर से, और ये क्या करता है, इम्प्रूव भी करता है अपीयरेंस को। जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं, अब हम देखेंगे कि बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं पेंट्स के। सबसे पहले होता है पिगमेंट या फिर बेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पेंट किन किन चीज़ों से बनता है, जैसे कि अगर मैंने घर से बाहर से कोई पेंट लेके आई हूँ, ठीक है, जो मुझे अप्लाई करना है किसी आयरन की ग्रिल पे, तो मैं क्या करती हूँ, टर्पेंटाइन डालती हूँ। वो क्या है, व्हीकल है, मतलब सिर्फ पेंट से काम नहीं होता है, उसकी चीज़ें जिसको वो हेल्प करता है, मैं ड्रायर यूज़ करती हूँ उसको ड्राई जल्दी होने के लिए, है ना, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल कंपोनेंट्स। सबसे पहले है पिगमेंट्स, देन व्हीकल्स या कैरियर, फिर ड्रायर्स, कलर पिगमेंट्स एंड सॉल्वेंट और द थीनर। हम लोग थीनर भी यूज़ करते हैं कि वो पेंट थोड़ा सा थीन हो जाए, टर्पेंटाइन यूज़ करते हैं, द सेम थिंग। अब हम उसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम बेस की बात करते हैं। बेस क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि फाइन स्टेट में होता है डिवीजन, एंड इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द पेंट्स। ठीक है, इसका एक सबसे पहला ये है, जैसे मैंने बेस डाला तो क्या होगा, बल्किनेस फॉर्म होगा पेंट में। ठीक है, जिस वजह से ये हेल्प करता है श्रिंकेज क्रैक को फ्रॉम ऑन ड्राइंग। जब ड्राई होता है तो आप देखते हो कभी कभी छिलके निकलने शुरू हो जाते हैं उस पेंट के, क्यों होते हैं, क्योंकि बेस कम होता है। अगर बेस की क्वांटिटी बराबर है तो बेस क्या करता है, श्रिंकेज ऑफ क्रैक को रिमूव करता है। बेस के कुछ एग्जांपल है, एक है वाइट लेड और एक है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब हम सेकेंड उसका वो कंपोनेंट देखते हैं, दैट इज़ अ व्हीकल और अ कैरियर। व्हीकल में दो चीज़ें हैं, एक है लिंसिड ऑयल, एक है टंगस्टन ऑयल। ठीक है, जो लिंसिड ऑयल है ये उसके व्हीकल्स है, मतलब व्हीकल क्या करते होंगे, उसको मूव करने में ज़्यादा हेल्प करते होंगे, दैट इज़ कॉल्ड द व्हीकल और द कैरियर। ठीक है, दिस ऑयल ड्राइज वेरी क्विकली एंड इज सुटेबल फॉर द एक्सटर्नल वर्क, इट हाउएवर रिक्वायर्स अ थीनिंग एजेंट लाइक टर्पेंटाइन। ओके, एंड द लिंसिड ऑयल, ये कैसा है, सुपर, उसका एक लिंसिड से क्या है, टंगस्टन क्या है, सुपेरियर पार्ट में है। ठीक है, यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ पेंट ऑफ अ सुपेरियर क्वालिटी। ठीक है, दिस इज द सेकेंड।
अब हम थर्ड देखते हैं, दैट इज ड्रायर्स। ठीक है, ड्रायर्स में क्या है, ये क्या करता होगा, ऑब्वियस है क्या करता होगा, ड्राइंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता होगा। ऑब्वियस है, मैं पेंट के 24 घंटे तक के वैसे रख सकती हूँ, किसी का हाथ लगेगा तो वो ख़राब नहीं हो जाएगा हमारा ड्रेस या फिर हमारा हाथ, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, एक मटेरियल डालते हैं जिस वजह से क्या होता है, वो पेंट जल्दी सूखता है। ठीक है, ड्रायर्स क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एयर एंड ट्रांसमिट इट टू द लिंसिड ऑयल विच टर्न्स गेट हार्डर। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, लिथार्ज है, रेड लीड है, मैग्नीज सल्फेट है, एक्सेट्रा। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द ड्रायर्स। द नेक्स्ट वन इज अ कलर पिगमेंट। वॉट इज द यूज ऑफ कलर पिगमेंट, कलर दैट इज जो हम लोग बहुत सारे कलर्स मिला के, हमें कलरफुल पेंट्स बहुत पसंद होते हैं जो हम इंटीरियर में यूज़ करते हैं, तो हम वो कलर कहाँ से आता है, दिस कलर पिगमेंट। ठीक है, व्हेन इट इज डिजायर टू हैव द डिफरेंट कलर देन द बेस पेंट अ कलरिंग पिगमेंट इज टू बी एडेड टू मेक द पेंट कलरफुल। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ सॉल्वेंट और द थीनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन केस ऑफ टिम्बर, इन केस ऑफ पेंट। ओके, द फंक्शन ऑफ दिस सॉल्वेंट इज टू मेक द पेंट थीन टू that it can be easily applied on the surface. Okay, what is the function of the solvent? Solvent क्या करता है, paint को thin करता है और क्या करता है, easily applied on the surface. ठीक है, easily हम क्या कर सकते हैं, apply कर सकते हैं। It also helps the paint in penetrating through the pores also. Obviously, अगर ठीक होगा तो वो pores को fill कर पाएगा क्या, paint नहीं कर पाएगा, तो वो pores को भी fill करता है। The most common used of a solvent is spirit or टर्पेंटाइन। ठीक है, टर्पेंटाइन या स्पिरिट भी यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब ये चीज़ें नहीं होती है तो बेंस और नेप्थर ये सब चीज़ें भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमने इस टॉपिक में क्या देखा है, हमने पेंट देखा कि पेंट क्या होता है, उसके बाद में हमने क्या देखा है कि पेंट के यूजेस क्या क्या है, उसके बाद हमने क्या देखा है कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट्स। और फंडामेंटल कंपोनेंट्स में हमने क्या क्या देखा था, बेस देखा था, व्हीकल देखा था, ड्रायर्स देखा था जो एक्सेलरेट करता है ड्राइंग प्रोसेसर को, कलर पिगमेंट जो कलर देता है, एंड द लास्ट वन इज सॉल्वेंट जो थीन करता है पेंट को। ठीक है, हमने ये सब टॉपिक देखा है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वार्निश क्या है एंड उसके डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं पेंट्स के, ये देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।